कि कौन सी स्टोरी सुनी थी, किसी को याद है क्या? वाह सृष्टि, बहुत अच्छी लग रही है आपकी फ्रॉक। मानसी, आप बात नहीं कर रहे हो? अच्छा, कुछ सुना था मैं पिछले बार, वो एक बेर था जो पानी में डूब रहा था, उसके पापा ने मना किया था कि नहीं जाना। किसी को याद है ये वाली कहानी? किसी को याद नहीं है बच्चों? कोई, किसी को भी याद नहीं? पिछली बार किसने बताया था? केजिया दीदी ने बताया था ना हमें, कुछ बताया था, क्या बताया था उन्होंने? हेलो, बम बम हाँ पॉम पॉम नाम था ना उसका। किसका नाम था? व्हाइट कलर का भालू था ना वो, क्या हो गया था उसको? किसी को याद है क्या हो गया था उसके साथ? फिर बता सकता है मुझे? अच्छा, आपने क्या सीखा ये बता दो। कहानी याद नहीं है, कोई बात नहीं। आप लोगों ने क्या सीखा बच्चों, बताओ प्लीज, बात करो। नहीं आता तो भी बता दो, तो कुछ तो बताओ, मुझे कैसे पता चलेगा? अच्छा मैं ही नाम लेके पूछती हूँ। सृष्टि आप बताओ बेटा, आपको क्या जो भी याद है ना सब बता दो, कुछ सही गलत नहीं, आपको जो भी याद है सब बता दो। माइक ऑन करो और बता दो जल्दी जल्दी जल्दी। दी, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। अच्छा क्यों लगा आपको ऐसे, क्या कैसे लगा कहानी से कि आपको दूसरों की हेल्प करनी चाहिए? अच्छा ठीक है, आपने ये सीखा, और बच्चों ने क्या क्या सीखा? और बच्चे कुछ बताएं मुझे। चाहिए। अनंत, आप थे पिछली बार? बेटा 1 मिनट और, मैं जल्दी से आपको इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगर आप कहानी याद नहीं रखते हो ना तो ये बहुत बुरी बात होती है। बुरी बात इन द सेंस, देखो बच्चों, अगर हम लोग खाना खाए और हमें अगर स्ट्रेंथ नहीं मिले और मतलब हम ऐसे ही वीक वीक रहे तो किसको अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए ना हम, इसलिए हमें ऐसा रहना चाहिए कि हम जो भी सुनते हैं ना उसको याद करना चाहिए। इसलिए बच्चों कोई बात नहीं, हम सब लोग भूल जाते हैं, तो इस बार से हम ऐसा करेंगे कि आप जब संडे स्कूल आओ ना तो उससे 5 मिनट पहले, संडे स्कूल स्टार्ट होने से जस्ट 5 मिनट पहले, आपके ग्रुप में आपको पीपीटी मिलती है, आपके यूट्यूब में आपके स्टोरी रहती है, तो आप उसे देख लिया करना। ओके, आप उसे देखकर और तब आप वहां से सीख के आओगे कि हमने इस बार क्या सुना। ओके बच्चों, डन, इस बार से ऐसे करेंगे सब लोग। कौन कौन करेगा? अच्छा तो जल्दी से मुझे बता दो, पिछले बार की स्टोरी सॉरी पिछले बार की मेमोरी वर्स किस किस को याद है? मेमोरी वर्स, वेरी गुड। सृष्टि बताओ, बताओ बेटा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उन्नीस 3:16। वेरी गुड, और किसको आता है? बहुत बड़ा था पर वेरी गुड। हाँ दीदी मैं सुनाऊं? हाँ हाँ सुनाओ। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना वेरी तीन सोलह गुड वेरी गुड। पहले से दीदी आता देखा था? ओके, कोई और, कोई और बेटा। दीदी मैं सुनाऊं? क्योंकि हाँ सुनाओ सुनाओ। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, आज की कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर बच्चों आपके स्कूल में या आपके घर के पास कोई आपको बहुत सताता है, अपना सारा काम आपसे करवाता है, बार बार लड़ाई करता है, तो पहली बात ये बताओ कि वो अच्छा बच्चा है या बुरा बच्चा है? बुरा बुरा ना। तो आप क्या करोगे, कोई आपको जब सताता है तो आप क्या करना चाहते हो उनके साथ? आपको आपको क्या मन करता है, क्या करने का मन करता है? छोड़ना पड़ता है। छोड़ना पड़ता है मतलब
उसको उस उसके काम को छोड़ना पड़ता है तो किसी और को फ्रेंड बनाओगे फिर? आप बताओ बेटा, फ्रेंड आप क्या करोगे? कोई आपको अगर बहुत सता रहा है तो क्या करोगे? चेंज करना है। चेंज करना है। ओके, वेरी गुड। दूसरों का आंसर सुनते हैं, हाँ, कि दूसरे क्या कहते हैं। जल्दी बताओ बेटा। अच्छा अनंत, आप क्या करोगे? क्या करोगे अगर आपको कोई बहुत सताता है तो? मानसी को, दीदी उनके लिए प्रेयर करेंगे कि ताकि वे सुधर जाएं। अच्छा प्रेयर करोगे। सृष्टि, आप क्या करोगे? उनसे प्यार समाप्त करूंगी। अर्पित, आप क्या करोगे? नहीं पता क्या करोगे। अच्छा ठीक है, तो बच्चों आज की हमारी जो कहानी है ना, इसी से संबंधित है। किसी को पता है पिछले से पिछली बार हमने क्या पढ़ा था? हमने ये देखा था, हमें दीप्ति दीदी ने हमें ये बताया था कि फाइनली फाइनली बहुत दिनों बाद जो इसराइली थे ना, उनको जो जो मिस्री लोग जो उनको सता रहे थे ना, वो उनके चंगुल से निकल गए थे और वो कहाँ आ गए थे? समुन्दर के तट पर आ गए थे। हमें दीप्ति दीदी ने ये बताया। और उसके बाद उन्होंने बताया कि कुछ देर के बाद जो फिरौन जो राजा था, जो बुरा राजा था, तो वो ना 600 अच्छे से अच्छे रथ लेकर कहाँ आ गया? इनका पीछा करने लगा। और जब ये पीछा करने लगा, ये लोग तो पहले बहुत खुश थे कि अरे वाह, हम लोग तो फाइनली हम लोग छूट गए, मिस्र से बाहर आ गए, अब हम उनके गुलाम नहीं है, कोई हमें सता नहीं सकता, अब हम आजाद है, फ्री है, हमें जो करना है वो सब करेंगे। पर आप इनकी शक्ल देख रहे हो, आप इनकी फेसेस देख रहे हो, इतना डर गए है ना, इतना डर गए कि क्योंकि उनके जो शत्रु थे मिस्री, वो फिर वापस उनके ऊपर आ रहे थे। और वो जब डर गए, वो सब प्रार्थना करने लगे। देख रहे हो आप कैसे कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा मानसी, आप ये बताओ, ये सब लोग बहुत खुश है क्या, ये बहुत डरे हुए हैं? कुछ नहीं डरे गए, नहीं बात करना। ओके आदि, आप बताओ। आदि, आज बेटा सब लोग बात करो, अच्छा लगेगा, सब लोग बात करते हैं, हम सब फ्रेंड्स है ना। आदि आप बोलो, ये सब लोग खुश है या डर गए? ये लोग डर गए हैं। डर गए ना, अब इनके फेसेस देख रहे हो, इतना डर लग रहा है इनको कि अरे ये लोग फिर से हमें ले जाएंगे, ये सब हमें फिर से पकड़ के ले जाएंगे और फिर से बहुत सारा काम करवाएंगे सुबह से लेकर शाम तक। आपको पता है इनको खेलने भी नहीं देते थे, इनके बच्चे भी काम करते थे, ये भी काम करते थे, और सिर्फ रात को बहुत थके हारे आके खाना बना के खा के सो जाते थे, फिर सुबह उठना, फिर बहुत सारा काम करना। और पता है ये लोग जब काम नहीं करते थे ना, इनको मारा जाता था, बहुत मारा जाता था। तो जब इनके ऊपर ये वाली बहुत बुरी परिस्थिति आई, तो परमेश्वर ने मूसा को बताया कि तू ना अपनी लाठी को आगे कर, ऊपर कर, और तू अपना हाथ उठा, तो ये जो समुंदर है ना, वो दो पार हो जाएंगे। किसी ने सुना है कभी समुंदर को दो पार होते हुए? नहीं ना, पर परमेश्वर ने किया। और आपको पता है बच्चों, समुंदर जो है ना, उसका सारा पानी लेफ्ट साइड और राइट साइड एक दीवार की तरह खड़ा हो गया और वो सब बीच रास्ते में चले गए। ये सब आपने पिछले बार सुना ना, है ना? तो आज हम इसके आगे देखते हैं। ओके बच्चों, पर इससे पहले हम छोटी सी प्रेयर करेंगे। ओके, तो मैं आज रिक्वेस्ट करती हूँ, किससे करूँ, कौन करेगा प्रेयर? सृष्टि बेटा आप करो प्रेयर, छोटी सी प्रेयर करो कि परमेश्वर हमसे बात करे और हम आज की स्टोरी से कुछ सीखे। ओके, छोटी सी प्रार्थना। माइक ऑन करो बेटा। जैसे अनंत आप कर दो। ओके दीदी, हे पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम आपके सुंदर चरणों में आता है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो दीदी ने हमें भजन सिखाया है, आप उसमें हमें याद रखने में हमारी सहायता करें, और जो दीदी हमें कहानी सिखाएगी, आप उसे हमें समझने में सहायता करें, और दीदी हमें अच्छे से सिखाने पाए यीशु मसीह। और जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं, आप उन्हें जुड़वान जो इन करने में सहायता करें। ये छोटी प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने ग्रहण करें, आमीन। आमीन, आमीन। तो आपको पता है बच्चों, इसराइलियों को तो डर लग रहा था कि कहाँ ये मिस्री आ जाएंगे और हमें अपने साथ ले जाएंगे वापस, हमें गुलामी में ले जाएंगे, हमसे फिर बहुत सारा काम कराएंगे, और अगर हमने नहीं किया तो मारेंगे, ये इसराइली सोच रहे थे। पर आपको पता है मिस्री और फिरौन क्या सोच रहे थे? अरे
ये तो हमारे हाथ से छूट गए। ये क्या इनके परमेश्वर ने समुन्द्र के बीच में रास्ता बना दिया और ये लोग जा रहे हैं आराम से? नहीं, हम इनको नहीं छोड़ सकते। आप इनके फेसेस देख रहे हो, कितने गुस्से में लग रहे हैं ना। देख रहे हो बीच में फिरौन है और उसके आसपास के जो है वो उनके कौन है, वो कौन उनके सैनिक। तो वो सब लोग देख रहे कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, और उनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि अरे ये लोग हमसे दूर जा रहे हैं तो फिर हमारा काम कौन करेगा, हमारे लिए घर कौन बनाएगा, हमारे लिए बिल्डिंग्स और ये सब कौन बनाएगा। अरे नहीं, इनको तो वापस लाना ही होगा। तो इनको गुस्सा आया और पता है बच्चों इन्होंने क्या किया? इन्होंने ना वो जो समुन्द्र के बीच में जो रास्ता परमेश्वर ने बनाया था उसके ऊपर ये लोग भी चलने लगे, और उसके उसके पीछे ये लोग आराम से चलने लगे बहुत तेजी से। देख रहे हो उनके घोड़े कितने स्ट्रांग है ना, ये ब्लू कलर का घोड़ा है, ये सब कलर्स मतलब जो ड्राइंग वाला उन्होंने बना के रखा है, पर ब्लू कलर का घोड़ा होता नहीं है, व्हाइट कलर का घोड़ा होता है। पता है आपको, किसी ने देखा व्हाइट कलर का घोड़ा? नहीं यस देखा? दीदी, यस कभी देखना। हाँ मेरे घर के पास है, मेरे घर पे के पास आना, मैं दिखाती हूँ। कभी देखा हाँ देखा है, है आपने? ब्लू कलर का तो घोड़ा नहीं थी। नहीं होता है ना, इसलिए नहीं देखा। मानसी आपने देखा ब्लू कलर का घोड़ा है? हाँ या नहीं मैं बता दो। नहीं देखा? हाँ मैंने भी नहीं देखा, होता नहीं है। तो पता है बच्चों ये सारे घोड़े ना वो लेके आ रहे थे और उनको देख रहे हो बहुत गुस्से में आ रहे थे बहुत तेजी से, कि वो सब अब इनको ना मारेंगे और इनको वापस ले आएंगे। और आपको पता है तभी क्या हुआ? तब ना परमेश्वर यहोवा ना उन्होंने देखा कि अरे ये लोग फिर से मेरे लोगों को सताने के लिए आ रहे हैं। मैंने समुन्द्र में रास्ता बनाया था इसराइलियों के लिए, पर ये तो फिर ये भी मतलब इस रास्ते से निकल के आ रहे हैं और ये फिर मेरे लोगों को मिस्र वापस ले जाना चाहते हैं। तो पता है बच्चों परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर के उस समय में ना परमेश्वर आग और बादल के खंभे में रहते थे। आपको आपको आगे पहले दीदियों ने बताया होगा कि ना परमेश्वर रात में उनको, आप ये आग देख रहे हो, ये जो आग जैसा दिख रहा है ये परमेश्वर की उपस्थिति थी, इसमें परमेश्वर रहते थे। तो ये सिंबलाइज करता था, ये दिखाता था कि परमेश्वर उनके साथ थे। तो परमेश्वर पता है ये लोगों के आगे आगे चलता था, पर अब परमेश्वर ने क्या किया कि इस बादल के खंभे को उनके पीछे ले गए और मिस्रियों के सामने ले गए। कब मिस्री क्या कर रहे थे? वो तो इनके ऊपर आ रहे थे, भाग भाग के आ रहे थे अपने घोड़ों को लेके, है ना। तो फिर उसके ऊपर क्या क्या होता है कि परमेश्वर ने इनको डराया। बच्चों आपको पता है बहुत बुरा लगता है ना जब कोई हमें बहुत बहुत सताता है, तो ऐसा लगता है कि अरे ऐसा क्यों करता है, मैंने तो इसका कुछ भी बुरा नहीं किया, पर ये तो मुझे कितना कितनी मेरी बुराई कर रहा है, कितना मेरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आपको पता है बच्चों परमेश्वर ना चुप नहीं रहते, एक दिन आएगा जब परमेश्वर उनको घबरा देंगे, जैसे अभी परमेश्वर मिस्रियों को डरा रहे थे ना, एक दिन परमेश्वर आपको सताने वाले लोगों को या हमें सताने वाले लोगों को भी उनके ऊपर न्याय करेंगे। जब परमेश्वर उनको डराएंगे ना उनके ऊपर परमेश्वर का डर भी आएगा। आपको पता है बच्चों जब परमेश्वर ने इनको डराया तो क्या किया पता है? परमेश्वर ने, इनके पास रथ थे। क्या होता है रथ? रथ के सामने दो घोड़े होते हैं और पीछे इनके जो रथ के ऊपर सैनिक बैठे होते हैं। आपको पता है रथ के पीछे ना दो पहिए लगे होते हैं और वो पहिए जो होते हैं बहुत तेज, जितना तेज घोड़ा दौड़ता है ना उतना तेज इनके रथ दौड़ते। तो परमेश्वर ने ना इनके पहियों को निकाल डाला और इसकी वजह से पता है वो चल नहीं पा रहे थे। देखा बच्चों परमेश्वर ना जो बुराई करते हैं ना उनकी बुराई को परमेश्वर रोक देते हैं। इसलिए हमें हमेशा जो भी हमें सताते हैं ना हमें उनके ऊपर, हमें उल्टा उनको नहीं मारना, हमें उल्टा उनको नहीं सताना चाहिए, पर हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ पे इसराइलियों ने यही किया क्या? अच्छा तुमने इतने दिन हमें सताया, चलो मैं भी तुम्हें मारता हूँ, ऐसे वो सब लोग क्या मारने आए इनके ऊपर? किसी इसराइल ने मिस्री को मारा क्या? नहीं मारा ना। परमेश्वर यहाँ पे इनको क्या कह रहे हैं? दंड दे रहे हैं। परमेश्वर ने क्या किया? इनके पहियों को निकाल दिया। और पता है बच्चों इसके आगे अब उनको समझ में आ गया कि वो ना सामने नहीं जा सकते, क्योंकि इसराइलियों की तरफ से परमेश्वर यहोवा मिस्रियों से युद्ध कर रहे हैं।
आपको पता है बच्चों, यहाँ पे तो ना, यहाँ पे तो परमेश्वर के का कुछ प्लेस नहीं था। यहाँ पे तो मिस्री लोग जो थे वो इसराइलियों के ऊपर लड़ाई करने आ रहे थे, वो उनको ना डरा धमका के वापस ले जाने आ रहे थे। पर पता है इसराइलियों के साथ परमेश्वर थे, और ये बात मिस्री लोग मान नहीं रहे थे। तो अब पता है इसराइलियों के परमेश्वर ने, मतलब यहोवा, इनके साथ आ गए और इनसे लड़ाई करने लगे। अब देख रहे हो, अब ये कितने घबराए हुए थे। अभी तो कुछ देर पहले बहुत गुस्से में थे ना, ये सोच रहे थे कि हम सबको वापस ले जाएंगे, पर अब ये लोग डर गए। क्यों पता है बच्चों? क्योंकि परमेश्वर यहोवा इसराइलियों की ओर से इनसे युद्ध कर रहे थे। और आपको पता है परमेश्वर से कोई भी युद्ध करके जीत नहीं सकता। आज तक ऐसा कोई भी युद्ध नहीं है जो परमेश्वर हार गए हो। इसलिए बच्चों, हमें ना परमेश्वर के साथ रहना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, उनके तरफ रहना चाहिए। कभी कभी लगता है कि इस दुनिया में जो शैतान है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, और इस दुनिया में जो उनको फॉलो करने वाले लोग है ना, वो ही जीतते हैं। पर ऐसा नहीं होता है। अंत में पता है कौन जीतता है? परमेश्वर जीतेंगे। परमेश्वर हमेशा जीतते हैं, है ना सृष्टि सुति, है ना? परमेश्वर यहोवा हमेशा जीतता है ना। यस फिर बच्चों क्या हुआ, आपको पता है? अब ना यहोवा मूसा से कहता है कि तू अपना हाथ समुन्दर के ऊपर बढ़ा, और जब तू बढ़ाएगा ना, ये जो पानी आप देख रहे हो यहाँ पे, पानी कितने टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, बीच में सूखी भूमि बन गई थी ना। तो परमेश्वर कहते हैं कि जब तू अपना हाथ बढ़ाएगा ना, तो ये फिर पानी मिल जाएगा और ये सब उसी में नाश हो जाएंगे। बच्चों आपको एक सीक्रेट बताओ, परमेश्वर अपना जो भी काम करता है ना, उसके लिए हम इंसानों को, हम मनुष्य को यूज करते हैं, हमारा इस्तेमाल करते हैं। पर पता है कब परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर सकता है? जब हम परमेश्वर की बात माने, और जब हम परमेश्वर जो हमसे जैसा कहते हैं ना, हम वैसा कहे। बच्चों आपने कभी देखा है क्या कि एक समुन्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, या ऐसे मतलब लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाएगा, एक इंसान के ऐसे डंडा मारने से या ऐसे डंडा दिखाने से? कभी होता है क्या? आपने कभी किया क्या? ऐसे होता है क्या? नहीं होता ना। पर जब परमेश्वर कहते हैं ना कि तुम अपना डंडा बढ़ाओ और मैं इसको फिर से मिला दूंगा समुन्दर को, या इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, तो ऐसे हो जाता है। इसलिए बच्चों परमेश्वर हमें भी ना बहुत बड़े बड़े कामों के लिए, बहुत महान काम के लिए यूज करना चाहते हैं, जैसे मूसा को यहाँ पे यूज कर रहे थे। बच्चों अर्थ को और अर्थ के जो मतलब नेचर है ना, इसको कोई नहीं संभाल सकता, इसको कोई नहीं कंट्रोल कर सकता, पर परमेश्वर कर सकता है। और जब परमेश्वर हमें यूज करेंगे ना, तो परमेश्वर हमें भी ये अथॉरिटी देंगे, ये हमें भी ये पावर देंगे कि हम उनकी इच्छा में जो परमेश्वर कहते हैं वो कर सके। इसलिए बच्चों परमेश्वर बहुत स्ट्रांग है। आपने देखा इतने बड़े समुन्द्र को परमेश्वर ने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसलिए हमें परमेश्वर की हमेशा बात माननी चाहिए। और पता है बच्चों, जैसे परमेश्वर ने बोला ना, वैसे ही हुआ। जब मूसा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अपनी लाठी समुंदर के ऊपर कर दिया ना, अभी आप देख रहे हो पानी जो था वो पहले दूर दूर था, पास पास आ रहा है, और लास्ट में क्या होता है कि सारा पानी मिल गया। समुंदर में कौन थे बच्चों? कौन आ रहे थे रथ लेके समुंदर के बीच में? कौन आ रहे थे इसराइलियों मिश्री का पीछा करने, उनको वापस ले जाने? मिश्री मिस्री, हाँ, मिश्री फिरौन और उनकी सेना आ रही थी ना। हाँ, अब पर अब क्या हो गया? अब तो सारा का सारा पानी मिल गया। घोड़े के समुन्द्र में चल सकते हैं? पानी में चल सकते हैं घोड़े? क्या चल सकते हैं? नहीं चल सकते ना। पानी में आप और हम लोग चल सकते हैं? कार्टून में देखा है। नहीं चल सकते ना, पानी के अंदर तो बिल्कुल नहीं चल सकते। तो आपको पता है बच्चों, जमीन ये मिलने वाला था ना। हाँ, क्या कह रहे हो आप? कुछ कह रहे हो? जमीन पे चल सकते हाँ, हम तो जमीन पे चलता है, पानी में तो फिश चलता है ना, तैरता है फिश। यस, शार्क भी चलती है शार्क। हाँ, शार्क भी चलता है, पर इनके पास तो वो सब नहीं थे, इनके पास तो घोड़े थे। और क्या थे इनके पास? सोल्जर्स थे, जो इनके रथ चलाने वाले जो सैनिक थे वो थे। आपको पता है बच्चों, जब मूसा ने अपने हाथ बढ़ाया ना, और जब पानी मिलने वाला था, मतलब समुन्दर का पानी वापस जैसा था वैसे होने वाला था, तो ये जो लोग थे मिस्री लोग, इनको समझ में आ गया था कि अरे अब तो हम ना इसमें मतलब मर जाएंगे, क्योंकि पानी तो इतना सारा पानी आ गया, हम इससे तो नहीं बच सकते। तो उन्होंने पता है क्या किया? मानसी, आप हो गया लगता है,
अच्छा, तो जब इनको पता चल गया ना, तो इन लोगों ने सोचा कि चलो अब हम लोग ना वापस चलते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे ही रहे ना तो हम मर जाएंगे। पर पता है बच्चों क्या हुआ, वो जब जैसे ही वापस जाने वाले थे ना, तो परमेश्वर यहोवा ने उनको उसके बीच में ही उन सबको मार दिया। बाइबल कहती है कि उसके बीच में उनको झटक दिया। ऐसा हुआ कि वो समुन्दर के जो नीचे, बहुत सारे नीचे पानी के भी नीचे क्या रहता है, रेत मिट्टी रहती है ना, उसमें वो लोग फंस गए। और आपको पता है बच्चों, जब पानी पूरा का पूरा मिल गया ना, उसमें एक पे जो सैनिक था वो नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा था, सब पानी के नीचे चले गए। देख रहे हो आप, यहाँ पे पानी के नीचे वो सब क्या हो गए, डूब गए। वो लोग बाहर निकलना चाहते थे पर नहीं निकल पा रहे थे, और उनमें से एक भी नहीं बचा। बच्चों जब परमेश्वर जजमेंट करता है ना, जब परमेश्वर न्याय करता है, जब परमेश्वर बदला लेते हैं ना, तो कोई नहीं बच सकता है। इसलिए पता है बच्चों, हमें कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुराई का भी प्रतिफल होता है। जब हम बुरे काम करते हैं ना, उसकी पनिशमेंट मिलती है, इसलिए हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए। अब यहाँ पे मिस्री लोगों को आप देख रहे हो, ये लोग ना जो इसराइली लोग थे, उनको 430 ईयर्स, कितने, 430 साल, इतने सालों से सता रहे थे। 1 साल 2 साल नहीं, 1 दिन 2 दिन नहीं, बहुत दिनों से इनको सता रहे थे। तो आज परमेश्वर ने क्या किया, इनको न्याय दिला दिया। और आपको पता है बच्चों, जो इसराइली थे ना, अब तो ये जो लाल समुंदर था, अब ये कैसे जैसा था वैसे ही मिल गया ना, तो अब इस तरफ ये लोग खड़े होके देख रहे थे। पता है आपको क्या देख रहे थे, जो मिस्री सॉरी और मिस्री के लोग और जो सैनिक थे, वो सब ना उनके वो जब वो सब मर गए थे, और वो सब वहां समुन्दर के तट पे, मतलब ये जो मिट्टी मिट्टी रहता है ना, रेत रहता है ना समुन्दर के तट पे, वहां पे ये लोग आ गए थे, वहां पे इनकी लाशें पड़ी थी, कोई नहीं बचा। ये लोग क्या करने आए थे, ये लोग इसराइलियों को मारने आए थे ना, पर क्या हुआ, ये खुद ही मर गए। क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि परमेश्वर इसराइलियों की तरफ से लड़ाई कर रहे थे। आगे पता है बच्चों क्या हुआ, अब ना सब इसराइलियों ने देखा कि परमेश्वर ने एक ऐसा काम किया है, एक अनहोना काम किया है, जो कोई नहीं कर सकता था। और सब ने पता है ऐसे अपने घुटने टेके, और सब ने यहोवा की भय मानी। सब पता है उनको, सब ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु सच में, क्योंकि पता है बच्चों, उस दिन अगर परमेश्वर नहीं होते ना, तो ना वो लाल समुंदर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता, और उस दिन ना ही ये लोग आगे बढ़ पाते, और जो मिस्री लोग थे ना, वो इनको वापस लेके चला जाते, और इनसे फिर बहुत सारा काम करवाते। उस दिन किसने बचाया इसराइली लोगों को, इसराइली खुद खुद ने अपने आप को बचाया, या परमेश्वर ने इनको बचाया? जी परमेश्वर ने, परमेश्वर ने बचाया ना। कैसे बचाया परमेश्वर ने इनको, लाल समुंदर को कितने भाग में किया, टू पार्ट्स में है ना। हाँ, और उसके बाद जब मिस्री लोग इनके पास आने की कोशिश करते, तो तब क्या हुआ, तो फिर उसको मिला दिया पानी को, हाँ, तो वो क्या हो गए, वो वापस आ गए, या वो वहीं वो पे पड़ के डूब मर गए? गए। हाँ बच्चों, तो आपको पता है बच्चों, जब इसके बाद ना, जब सब लोगों ने देखा कि अरे परमेश्वर तो हमारे लिए बहुत महान है, उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की है, आपको पता है बच्चों, तब ना सब लोग वहां मिलके परमेश्वर की स्तुति करने लगे। अगर हम लोग अगर निर्गमन उसका 15 पढ़ेंगे ना बच्चों, 1 से लेके 19 तक, तो वहां हम लोग देखते हैं कि वो सब लोग ना गाना गाने लगे। आपको पता है, वो परमेश्वर की आराधना करने लगे। और आपको बच्चों दो तीन बातें अगर मैं उसके बारे में बताऊँ ना, तो पता है वो ना एक भी चीज नहीं भूले जो परमेश्वर ने उनके लिए किया। उनके लिए परमेश्वर ने क्या किया, उनके लिए परमेश्वर ने समुद्र के बीच में रास्ता बनाया, उनके जो शत्रु थे उनको मार दिया। और आपको पता है बच्चों, इन सब बातों को याद करते हुए ना, वो परमेश्वर की स्तुति करने लगे। और आपको पता है, वो कहने लगे कि परमेश्वर हमारे साथ तो है, तो हमें किस बात का डर। आपको पता है, सिर्फ मिस्री इनके शत्रु नहीं थे, और भी बहुत सारे शत्रु थे, मोयाब देश के लोग थे और कनान देश के लोग थे, जो जहाँ पे ये लोग जाने वाले थे। तो इतने लोगों के बीच में, पता है बच्चों, उनको ये काम देख के उनको इतना विश्वास आया कि परमेश्वर हमारी जरूर हेल्प करेंगे। और वो पता है जो उनको, मतलब
और जो इनके शत्रु थे उनके ऊपर अभी इनको विजय नहीं मिला, पर फिर भी पता है वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, उनकी स्तुति कर रहे थे कि पर प्रभु अपना आपने हमें मिस्रियों के ऊपर विजय दिलाया ना, आगे जो भी शत्रु हमारे आएंगे आप हमें उनके ऊपर विजय दिलाएंगे। और जो परमेश्वर ने इनके लिए वादा किया था कि हम कि परमेश्वर इन्हें कानान देश में ले जाएंगे, इन्होंने उस वादे के लिए भी परमेश्वर की आराधना की, उनको थैंक्स बोला कि प्रभु, उन्होंने बोला कि प्रभु हम जानते हैं कि अब जरूर हमें उस देश में ले जाओगे, अब हमें जरूर उस स्थान में ले जाओगे। तो बच्चों इस कहानी से आज हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर न्याय करता है। क्या करते हैं परमेश्वर, क्या करते हैं परमेश्वर, हाय न्याय हाय करते। न्याय का मतलब पता है क्या होता है, जो बुरा होता है ना उसको पनिश करता है। तो इसलिए हमें अपने हाथ में नहीं लेना है, हमें ऐसा नहीं करना है कि अरे उसने मुझे मारा तो मैं उसको जाके दो और मारूंगा, या मैं उसको बहुत मारूंगा, उसने मेरी पेंसिल चुरा ली तो मैं उसका पूरा का पूरा पेंसिल बॉक्स, उसका इरेजर, उसके जो टॉयस है वो सब चुरा लूंगा, ऐसे नहीं करना। हमें हमें क्या करना है, प्रार्थना करनी है और परमेश्वर के ऊपर हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर न्याय करेंगे। और दूसरी बात बच्चों जो हमने सीखी कि ना हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, हमें ये बोलना चाहिए परमेश्वर से कि प्रभु आपने जो भी हमारे लिए किया ना उसके लिए आपका धन्यवाद। और आपको पता है बच्चों एक और बात, जो परमेश्वर फ्यूचर में हमारे लिए करने वाला है ना, जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रॉमिस करके रखा है, हमें उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहिए। ओके बच्चों, तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, इस हफ्ते में या कुछ पिछले दिनों में परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया, कोई मुझे बता सकता है परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया, कोई भी अच्छा काम जो आप जानते हो, परमेश्वर ने आपकी कोई हेल्प की या परमेश्वर ने आपको कुछ दिया। बेटा आज मैं आपको होमवर्क नहीं दे रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों के अभी एग्जाम्स चल रहे हैं ना, तो इस महीने हम आपको होमवर्क नहीं दे रहे, तो थोड़ा सा टाइम हम यहीं पे वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नहीं हम एक्टिविटी करेंगे। तो आज की एक्टिविटी ये है कि आप सब मुझे ये बताएंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया, हम किस चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे, परमेश्वर ने क्या क्या किया हमारे लिए। अच्छा मैं हमारे माता पिता को बनाया। माता पिता को बनाया, ओके वेरी गुड। तो ठीक है अपना अपना माइक ऑन कर लो और जो भी मैं बोलती हूँ ना वो करेक्ट है या नहीं आप मुझे बताओगे। ओके हाँ, किस किसके पास घर है, घर रहने के लिए घर है ना, हाँ तो हमें इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। आपको पता है बच्चों हमारे देश में ना बहुत ठीक है, झोपड़ी आ गया। रोड के साइड में रहते हैं क्योंकि उनके पास घर नहीं है। अच्छा कि कौन कौन मतलब सो के उठा है और उसके उन सबके हाथ पैर आपके पास है, आपके आंखें हैं आप देख पा रहे हो, आपके हाथ पैर आप चल पा रहे हो, किस किसके पास सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ आपको पता है बच्चों पिछले महीने ना टर्की और सीरिया दोनों देशों में पता है अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, और पता है कब आया था, रात को जब वो लोग सो रहे थे, सब लोग आराम से सोते ना, हम अपने बेड पे सोते हैं सब लोग आराम से सोते, वो भी सो गए थे। पर आपको पता है इतना बड़ा भूकंप आया कि सुबह उठते ही उन्होंने देखा कि किसी को चोट लगी हुई है, कोई मर गया है, उनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी दीवार आके उनके ऊपर मतलब भारी दीवार उनके ऊपर आके लग गई है कि उनको बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा तो हमारे साथ कुछ नहीं हुआ ना, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना, हम सब लोग ठीक है ना, है ना। हाँ तो इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। बच्चों कितने बार हम लोग कुड़कुड़ाते हैं ना कि मेरे पास ये नहीं है, पेंसिल नहीं है, रबर नहीं है, मेरी मम्मी अच्छे खिलौने नहीं दिलाती, पर आपको पता है बच्चों ऐसे भी बच्चे हैं जो स्कूल ही नहीं जाते क्योंकि उनके मम्मी पापा के पास पैसे ही नहीं है उनको स्कूल भेजने के। आप सब लोग स्कूल जाते हो, कौन कौन स्कूल जाता है, सब लोग स्कूल जाते हैं ना, तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने हमको ऐसे पेरेंट्स दिए हैं जो हमें स्कूल भेजते हैं, जो हमारा ख्याल रखते हैं, है ना बच्चों। तो इसलिए अब हमारा एक्टिविटी ये है कि हम छोटी छोटी आराधना करेंगे। आराधना का मतलब क्या है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे जो परमेश्वर ने हमारे लाइफ में किया है। ओके बच्चों कौन स्टार्ट करेगा, मैं नाम लो, अनंत स्तुति सृष्टि। बेटा छोटी सी प्रार्थना नहीं करती अभी, जो मैंने आपको बताया ना इन सब के लिए हमें थैंक यू बोलना है परमेश्वर को बस। ओके ओके और स्टार्ट, सब लोग आके बंद करेंगे। स्टार्ट करो बेटा,
अनंत स्तुति सृष्टि, धन्यवाद दो परमेश्वर को। हे पिता परमेश्वर, दीदी जोर मेरी से, आवाज आपको, जोर से। दीदी मेरी आवाज, हाँ आ रही है। हाँ हे पिता परमेश्वर, आपने मुझे संभाला, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। जो हमें दीदी ने सिखाया, इसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और जो हमें आपने उस मुसीबतों से बचा के रखा, इसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। छोटी आराधना की भेंट, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी आराधना की भेंट, स्मृति के नाम से, आमीन। आमीन। बेटा तो आप करो, सिर्फ धन्यवाद बोलना है। परमेश्वर आपने मुझे जो जो किया, बस धन्यवाद बोलो, करो। दीदी मेरी आवाज आ रही है? हे हाँ आ रही है। पिता परमेश्वर, मैं आपके सुंदर चरणों में आता हूँ। आपने हमें अब तक संभाल रखा, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और जो दीदी ने हमें सॉन्ग और दीदी ने हमें कहानी से सिखाया है, और आपने हमारी नेटवर्क कनेक्शन में भी हमारी सहायता करी, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। आपने हमारे इस संडे ज्वाइन करवाने में सहायता करी, इसके लिए मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ। आप दीदी की सहायता करें कि दीदी हमें ऐसे ही कहानी से कुछ नई सिखाए, और ये छोटे से धन्यवाद की भेंट मैं आपके सुंदर चरणों में चढ़ाता हूँ, सुन के ग्रहण करें, आमीन। आमीन। सृष्टि मेरी आवाज आ रही है? आ रही है बेटा। हे पिता परमेश्वर, आपने मुझे संभाल कर रखा, मैं आपके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। आज जो दीदी ने हमें कहानी सुनाई है, ऐसे भी हम समझ सके, इसके लिए भी सहायता करती हूँ। और जो हमारा नेटवर्क कनेक्शन में भी आपने सहायता की, इसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। छोटे से रात में के बैठ उधार करता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। आमीन। आदि थैंक्स बोलना है बेटा, आप अपने वर्ड्स में बस थैंक्स बोलो परमेश्वर को। माइक ऑन करो। थैंक यू गॉड, आपने थैंक यू गॉड फॉर मुझे मम्मी पापा दिए, मुझे अच्छे मम्मी पापा, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, आपने मुझे मम्मी पापा दिए। आपने मैं स्कूल जा पाता, मुझे अच्छा घर दिया, और आपने मुझे अच्छा कर दिया, आपने थैंक यू गॉड। मसीह को मेरे, हाँ आपने यीशु मसीह को मेरे लिए भेजा, वो वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और गया, जी जी उठा, थैंक पूरा करते यू गॉड, जीसस, मेरे मेरी जरूरत सारी जरूरत जरूरत को पूरा पूरा करता है, उसी के नाम में मैं आराधना चाहता हूँ, आमीन। आमीन। वेरी गुड, गुड ट्राई बेटा। नेक्स्ट मानसी, निशा आप हेल्प कर दो। प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद देखती आज का दिन दिखाया, हूँ, आज का दिन दिखाया, संभाल कर रखा आपने रखा दीदी की मदद की क्लास में। अपनी दीदी प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ, की आपने मेरे लिए अपना लहू बहाया। मदद की क्लास यीशु जी धन्यवाद देती हूँ, में, आपने मेरे लिए अपना आप मेरे दोस्त हैं, लहू बहाया, दोस्त आपने मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया, आपने आपने मुझे मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया। हर अच्छा स्वास्थ्य दिया, एक बात के लिए धन्यवाद, हर एक और एक बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद छोटी सी दुआ यीशु के नाम से मांगती हूँ, मांगती हूँ, आमीन। आमीन। वेरी गुड।
बच्चों, आज की जो हमारी संडे स्कूल है ना, एक मेमोरी वर्स के साथ हम एंड करेंगे, और आपकी जो याद करने की आयत है वो मिलती है यशया 40:28। आप सब मेरे पीछे पीछे बोलो, ओके? यहोवा जो सनातन परमेश्वर ये तो और पृथ्वी भर का नाटक सृजनहार है, वो ना थकता ना शर्मिंदा है। परमेश्वर उसकी बुद्धि अगम्य है। यशया 40:28। अच्छा, इस बार अनंत बोलेगा और हम सब उसके पीछे बोलेंगे। अनंत बेटा, आप पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ना। यहोवा यहोवा जो सनातन परमेश्वर है सनातन परमेश्वर है और पृथ्वी भर का और पृथ्वी भर का सृजनहार है, सृजनहार है, वह वह न थकता ना थकता न श्रीमित होता है, न श्रीमित होता है, उसकी बुद्धि उसकी बुद्धि अगमन है। अगमन है अगमन गम्य है। यशया 40:28। वेरी ठीक गुड बच्चों, ये पता है हमारे परमेश्वर को डिस्क्राइब करता है ये जो वचन है। पता है परमेश्वर जो है ना, वो हमेशा से हमेशा के लिए है। ऐसा नहीं है कि आज है वो कल गायब हो जाएंगे, हमेशा के लिए हमारे परमेश्वर है। और पता है उन्होंने हमें बनाया है, और पता है वो इतने स्ट्रांग है कि वो कभी नहीं थकते, और वो बहुत इंटेलिजेंट है। ये हमारे परमेश्वर को डिस्क्राइब करती है। इसलिए बच्चों, आप इस बात को याद रखना, और अब याद करके आपके जो फ्रेंड्स है ना, वो पूछेंगे कि आपके परमेश्वर कौन है, तो आप उनको जरूर बताना। तो बच्चों, आज की जो क्लास है, हम छोटी सी प्रेयर के साथ एंड करते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ निशा से। निशा, प्लीज हमारे लिए प्रार्थना कर दो। परमेश्वर पिता, आपके पवित्र सुंदर चरणों में आती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपने इस स्टोरी के द्वारा प्रभु हमसे बातें की प्रभु जी, आप महासामर्थ्य परमेश्वर हैं प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आप हमें बुराई से बचा कर रखे प्रभु जी, दया करे आप हमें भी प्रभु जी, धन्यवाद देने वाला हृदय दे प्रभु, हर एक बात के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद दे प्रभु। आप इन बच्चों पर दया करे प्रभु जी, उद्धार करे, छोटी सी उम्र में अपने लिए इस्तेमाल करे प्रभु। टीना दीदी को बहुत आशीष दे प्रभु जी, आपने उनकी मदद की प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु जी और भी जो यहाँ पर हर एक बच्चे के लिए आपसे दुआ मांगती, सलोमी दीदी, टीना दीदी और अनंत, स्तुति, सृष्टि आदि, प्रभु हर एक बच्चे को बहुत आशीष दे प्रभु, दया करे, हर एक बात के लिए धन्यवाद। छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की बच्चों।